So hi everyone, welcome back. I hope you are doing really fine. I hope everything is fine with you. And you have seen the thumbnail. आपको thumbnail देख के ये पता चल गया होगा कि ये जो video है, this will be about the comparison of the three most popular college here at Jamshedpur. So we'll be comparing in detail about everything regarding hostel fees, infrastructure, campus placements and hostel life, campus life, and which college you should opt for. So make sure to watch the video till the very end. वीडियो को आखिरी तक देखना, आपको सारा नॉलेज अवेलेबल रहेगा, मिलेगा आपको यहाँ पे कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए अगर आप जमशेदपुर के आसपास के इलाके से हो तो. सो विल बी कंपेयरिंग एवरीथिंग इन डिटेल. विल बी कंपेयरिंग NSU विद अर्का जैन एंड विद RVS. सो दीज आर द थ्री कॉलेजेस दैट विल बी कंपेयरिंग. मेक श्योर, ओनली वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, वीडियो को क्लिक किए हो तो आखिरी तक आप वीडियो को देख लें, ठीक है. सो कंपैरिजन शुरू करने से पहले इन तीनों कॉलेजेस के बीच में आई मस्ट टेल यू कि सेपरेट वीडियो कॉलेज रिव्यू का इन तीनों के ऊपर में डिटेल में इस चैनल पे बना हुआ है. आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके आप तीनों का सेपरेट वीडियो देख सकते हो. बट इस वीडियो में A to Z फी स्ट्रक्चर से लेके प्लेसमेंट्स, कोर्सेज, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेटिंग्स, सब हम लोग डिटेल में विल कंपेयर इन दिस वीडियो RVS, अर्का जैन एंड दिस NSU. So make sure to watch this video till the very end. You'll get the detailed analysis on everything that is available. First of all, NSU 2018 में establish हुआ था. अर्का जैन वहीं recently 2017 में दोनों कॉलेज establish हुआ है. 2017 में अर्का जैन और 2018 में NSU. वहीं RVS प्योर इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहाँ के अर्का जैन यूनिवर्सिटी और NSU भी यूनिवर्सिटी है. RVS इज़ अ प्योर इंजीनियरिंग कॉलेज और वो 2004 में इस्टेब्लिश हुआ है. NSU UGC के द्वारा रिकॉग्नाइज है. अर्का जैन वहीं पे NAC A का ग्रेडिंग है अर्का जैन के पास, और UGC, AICTC ये सबसे रिकॉग्नाइज है अर्का जैन यूनिवर्सिटी. तो रिकॉग्नाइजेशन के मामले में अर्का जैन इज़ अहेड ऑफ NSU. RVS कॉलेज जो कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी नहीं है, बट इट इज़ अप्रूव्ड बाई AICTC. तो ये भी, और ये JUT के अंदर आता है, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी. अब बात करें तो कोर्सेज की, तो NSU में 67+ कोर्सेज है. इस वीडियो में हम लोग BTech का कंपैरिजन करेंगे एंड द नेक्स्ट वीडियो BSc के ऊपर कंपैरिजन रहेगा अर्का जैन और NSU का. वही रैंकिंग्स की बात की जाए तो 10 प्राइवेट बिजनेस स्कूल ईस्ट जोन में आता है अर्का जैन, और 39 प्राइवेट यूनिवर्सिटी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के अंदर आता है. तो रैंकिंग की सोली बात करो तो इसमें भी अर्का जैन NSU से आगे है. हम लोग आगे देखने वाले हैं कि किस चीज़ में कौन कॉलेज आगे है. दोनों कंपैरेबल कॉलेज है. सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड. RVS की प्लेसमेंट्स एंड दीज टू कॉलेजेस की प्लेसमेंट भी हम लोग एकदम डिटेल में देखने वाले हैं. टॉप रिक्रूटर्स की बात की जाए ऑन कैंपस तो TCS, Deloitte, Just Dial NSU का टॉप रिक्रूटर्स है. तो अगर आप रैंकिंग्स की बात करो और अबाउट द अप्रूव्ड कि कौन कहाँ से अप्रूव्ड है, तो उसमें अर्का जैन इज़ अहेड ऑफ NSU. बट आगे हम लोग देखने वाले कि किस चीज़ में NSU और RVS आगे है अर्का जैन से. तो मेक श्योर कि आप वीडियो को आखिरी तक देख पाओ. तो वही अर्का जैन की वेबसाइट पे टॉप रिक्रूटर्स इनका टाटा स्टील, CIMA, टाटा पावर्स, ये इनका टॉप रिक्रूटर्स था. और हाइएस्ट प्लेसमेंट अर्का जैन की 23 लाख की हाइएस्ट प्लेसमेंट गई है. ये ऑफ कैंपस थी, 23 LPA. वहीं RVS कॉलेज सोलली एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, और ये 2004 में इस्टेब्लिश हुआ है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो की प्लेसमेंट्स तीनों कॉलेज की बीटेक की कैसी है. तो आफ्टर टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स जो कॉलेज में पढ़ रहे, उसके बाद आई टेल यू अबाउट द प्लेसमेंट की सच्चाई क्या कॉलेज के अंदर. आप NSU की बात करो तो वहाँ जो CSE के अंडर ग्रेड है कंप्यूटर साइंस के, बाकी कोर्सेज आप छोड़ दो, उसमें ना के बराबर प्लेसमेंट है. बट अगर आप CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और ये भी हम लोग देखने वाले हैं कि उसमें क्या क्या स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है NSU में, तो CSE की बात करो तो उसमें बैच में जो 60-70% स्टूडेंट्स है उनकी लगभग प्लेसमेंट्स यहाँ से हो जाती है, और एवरेज जो है उसकी 3-4 LPA की है. जितना भी CSE में स्टूडेंट्स है उसमें 60-70% की प्लेसमेंट हो जाएगी, और उसका जब एवरेज आप निकालोगे तो वो 3-4 LPA करके आएगा. अर्का जैन का भी सिमिलर प्लेसमेंट स्टैट्स है. यहाँ भी CSE में 40-60% प्लेसमेंट है और एवरेज 3-4 LPA का है. वहीं RVS की आप बात करो तो RVS से 50-60% ओवरऑल प्लेसमेंट है इनका CSE का,
और एवरेज इनका भी 3 से 4 LPA का है। एवरेज तीनों कॉलेज का 3 से 4 LPA का इसलिए है क्योंकि यहाँ जो मोस्टली मास रिक्रूटर्स आती है लाइक विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, तो ये सब का जो CTC रहता है वो 3.5 LPA का रहता है इन हैंड। तो इसीलिए यहाँ पे आपको मोस्टली 3 से 4 LPA का एवरेज दिख रहा है। मोस्टली मास रिक्रूटर्स तीनों कॉलेज में आती है और तीनों कॉलेज जमशेदपुर में सिचुएटेड है। एक टाइम में तीनों कॉलेज में प्लेसमेंट सीजन बिगेन होता है और मोस्टली एक टाइम पे प्लेसमेंट सीजन एंड हो जाता है और सिमिलर कंपनीज तीनों कॉलेज में जाती है क्योंकि जमशेदपुर में जो भी कंपनीज आती है सिमिलर प्रोफाइल के कॉलेज लाइक NSU, अर्का जैन और RVS तीनों में सिमिलर, तीनों सिमिलर प्रोफाइल के कॉलेज है, तो तीनों में एक साथ जाके एक CTC देके स्टूडेंट्स उठाती है। तो प्लेसमेंट्स में तीनों ही बराबर है, कुछ खास है नहीं। अब बात की जाए कोर्सेज ऑफर्ड की कि तीनों कॉलेज में क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है, तो वहाँ पे कोर्सेज की बात करो तो NSU में टोटल 240 सीट है बीटेक में, यहाँ पे सिविल में 60, ECE में 60, मैकेनिकल में 60 और कंप्यूटर में भी 60 सीट है NSU में। वहीं आप RVS की बात करो तो 420 सीट टोटल RVS में है बीटेक में और ये इनका टोटल सीट ब्रेकडाउन है। मेटल में 60, ECE में 45 और इलेक्ट्रिकल में 45, ECE में 60, सिविल में 45 और मैकेनिकल में 60 और कंप्यूटर में इनकी 120 सीट अवेलेबल है। अर्का जैन में आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा, स्पेशलाइजेशन यहाँ कंप्यूटर साइंस में आपको देखने को मिलेगा लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इनका एक अनदर कोर्स है और एक कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस इन एसोसिएशन विद IBM। तो अगर आपको AIML पढ़ना है तो अर्का जैन में आपको वहाँ पे स्पेशलाइजेशन देखने को मिल रहा है। वहीं आपको अगर मेटल ऑप्ट करना है या इलेक्ट्रिकल ऑप्ट करना है तो आप RVS की तरफ देख सकते हो। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो RVS JEE मेन्स से एडमिशन लेता है, यहाँ पे JCECB काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन होता है और आप जाके कॉलेज के अंदर ओपन काउंसलिंग से भी एडमिशन ले सकते हो 12th बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स से। 12th का बोर्ड एग्जाम आपका 45% से ज़्यादा 12th के बोर्ड एग्जाम में मार्क्स होना चाहिए। वही अर्का जैन और NSU की बात की जाए तो यहाँ CUET के द्वारा एडमिशन होता है। अब टोटल फी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो टोटल फी स्ट्रक्चर जो है वो NSU का 2.8 लाख से 4 साल का, 3 लाख के अंदर आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। हॉस्टल इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू अबाउट द हॉस्टल्स एंड वॉट आर द फी स्ट्रक्चर एंड AC, नॉन AC, सिंगल बेड, डबल बेड, ट्रिपल बेड, कितना रूम इनके पास अवेलेबल है। अर्का जैन का फी स्ट्रक्चर थोड़ा NSU से ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का कोर्स करना है तो 6.8 लाख 4 साल का फीस पड़ेगा और कोई अदर कोर्सेज करना है तो 3.3 लाख में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। RVS का भी फीस स्ट्रक्चर अर्का जैन का सिमिलर है, लीविंग CSE 3.3 लाख से और अगर आप CSE करते हो तो डिपेंड अपॉन द कोर्स 5 लाख से 6 लाख के बीच में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाता है। नाउ कमिंग टू द हॉस्टल लाइफ कि हॉस्टल तीनों कॉलेज का कैसा है, व्हाट इज़ द फी स्ट्रक्चर। NSU में आपको हॉस्टल की फीस 70,000 लगती है और वहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल दोनों रेसिडेंशियल है, कैंपस के आसपास ही है तो कैंपस के आसपास ही आपको हॉस्टल मिल जाएगा। 70,000 एक साल का फीस है और एक रूम में 3 स्टूडेंट को वो लोग हॉस्टल में रखते हैं। वहीं पर अर्का जैन का हॉस्टल का जो चार्ज है वो 90,000 से 1 लाख के बीच में आता है विदाउट मेस फीस, इसमें मेस फीस इंक्लूडेड नहीं है। अर्का जैन में आपको AC और नॉन AC रूम का ऑप्शन मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन आप AC रूम ऑप्ट करते हो या नॉन AC आपको चार्जेस मिलेगी। 2-seater, 3-seater रूम अवेलेबल है अर्का जैन में और हॉस्टल्स आर आउटसाइड दी कैंपस। कॉलेज अर्का जैन जो है वो गम्हरिया में है, गर्ल्स हॉस्टल इनका आदित्यपुर में और बॉयज़ हॉस्टल गम्हरिया में, तो इनके कैंपस के बाहर हॉस्टल बना हुआ है, सेपरेट बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल दोनों कॉलेज में है। वहीं ये फीस हॉस्टल की अर्का जैन की ज़्यादा NSU से, तो फीस के मामले में NSU किफ़ायती कॉलेज है, सस्ते में आपका सारा कोर्सेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। RVS कॉलेज की बात की जाए तो 70,000 इनका एक साल का फीस है हॉस्टल का, वहीं पे मेस का फीस 3,000 पर मंथ है। 3-seater, 5-seater, 6-seater रूम यहाँ पे आपको मिलता है। कैंपस के अंदर 3 बॉयज़ हॉस्टल और 2 गर्ल्स हॉस्टल RVS कॉलेज में है। यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ हॉस्टल में दिखती होगी। NSU में कॉमन रूम, TV रूम, इंडोर प्ले एरिया, सिक्योरिटी, ये सब हॉस्टल के अंदर अवेलेबल है। बेड, चेयर, टेबल, वार्डरोब, ये सब हॉस्टल के अंदर आपको मिलेगा रूम में। डबल ट्रिपल शेयरिंग रूम इनके पास अवेलेबल है और हॉस्टल में बाथरूम अटैच रहता है रूम में।
वही अगर आप अर्काजन में एडमिशन लेने जाओगे, आप हॉस्टल में आके रहोगे, तो एसी नॉन एसी रूम अवेलेबल है यहाँ पे, सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग यहाँ पे है रूम। बेड टेबल चेयर प्रोवाइड करके दिया जाएगा हॉस्टल के अंदर। इंडोर प्ले एरिया और सिक्योरिटी 24/7 दोनों कॉलेजेस में हॉस्टल में है, फॉर बॉयज एंड फॉर गर्ल्स। वहीं पे आरवीएस कॉलेज का हॉस्टल में बेड चेयर टेबल ऑब्वियसली ये लोग प्रोवाइड करेंगे आपको। नॉन एसी रूम यहाँ पे आपको मिलेगा, बाथरूम अटैच रहेगा। देखने की बात ये है कि एनएसयू में बाथरूम अटैच है और आरवीएस कॉलेज में अटैच बाथरूम आपको मिलेगा हॉस्टल में, वहीं अर्काजन में आपको अटैच बाथरूम अवेलेबल नहीं होगा। तो एकदम डिटेल में आई एम टेलिंग यू, एकदम साफ साफ हर चीज़ हॉस्टल में क्या आपको प्रोवाइड की जाएगी और क्या प्रोवाइड नहीं की जाएगी। वाटर कूलर, कॉमन रूम, टीवी रूम, इंडोर प्ले एरिया, वाईफाई, इंटरनेट सर्विसेज, सिक्योरिटी, जिम, ये सब आपको आरवीएस कॉलेज के हॉस्टल में मिलेगा। यहाँ पे आपको जिम भी प्रोवाइड करके दिया जाता है आरवीएस कॉलेज के हॉस्टल में। तो ये तक आई होप यू आर गेटिंग द कंपैरिजन। और आपका अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो क्या क्या डाउट है। पहले से ही इन तीनों कॉलेज के ऊपर कॉलेज रिव्यू वीडियो आ चुका है, उसका भी लिंक आई विल प्रोवाइड इट इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके आप सेपरेटली तीनों कॉलेज का कॉलेज रिव्यू देख सकते हो। इस वीडियो में आई एम ओनली कंपेयरिंग द थ्री कॉलेजेस। आपको अभी तक ये पता चल गया होगा कि तीनों में सबसे महंगा अगर कोई कॉलेज है तो वो है अर्काजन यूनिवर्सिटी। बट ये महंगा इसलिए क्योंकि इसके पास रिकॉग्नाइजेशन है, नैक ए की ग्रेडिंग इसके पास अवेलेबल है और यूजीसी से ये रिकॉग्नाइज्ड है। तो रिकॉग्नाइजेशन के मामले में बात की जाए तो एनएसयू से आगे अर्काजन, बट फीस भी इसकी ज़्यादा है। और इसमें हॉस्टल लाइफ अगर बात की जाए तो एसी रूम आपको मिलता है, सिंगल रूम मिलता है, बट एज आई टोल्ड यू बिफोर कि फीस भी इस कॉलेज की ज़्यादा है। तो अगर आप फीस आपका ये देखना चाह रहे हो आप कि फीस कोई कम फीस वाले कॉलेज में थोड़ा आपको एक्सपीरियंस ख़राब भी मिले हॉस्टल का या फिर कुछ और चीज़ का, बट फीस थोड़ा कम हो, तो आप एनएसयू कॉलेज आप देख सकते हो। ओवरऑल रेटिंग की बात की जाए तो जैसा कि रेटिंग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है, एनएसयू की ओवरऑल रेटिंग 4.1 है, वहीं पर अर्काजन की ओवरऑल रेटिंग आपको दिखती होगी 3.8 है और आरवीएस कॉलेज की ओवरऑल रेटिंग 3.5 है 5 में से। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आपको रेटिंग दिखती होगी यहाँ पे। प्लेसमेंट्स के मामले में तीनों कॉलेज एकदम सिमिलर है, सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज विजिट, मास रिक्रूटर्स और सिमिलर प्लेसमेंट परसेंटेज है तीनों कॉलेज का। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप बात करो लैब्स, ऑडिटोरियम्स या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो उसमें एनएसयू थोड़ा सा ज़्यादा है ये दोनों कॉलेज से। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे बेहतर एनएसयू है, उसके बाद अर्काजन है, उसके बाद आरवीएस कॉलेज है। क्राउड एंड कैंपस लाइफ की आप बात करो तो फेस्ट होता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स कुछ कुछ ऑर्गेनाइज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, उसमें भी एनएसयू ज़्यादा है क्योंकि आप टॉक टू द स्टूडेंट्स, वो लोग बोलते हैं कि हर दो हफ्ता हर तीन हफ्ता के बाद कुछ ना कुछ ये लोग कैंपस में कोई ना कोई एक्टिविटी कराते रहते हैं, स्टूडेंट को इंगेज करके रखते हैं। तो क्राउड एंड कैंपस लाइफ में भी एनएसयू आगे है अर्काजन और आरवीएस से। वन डाउनफॉल ऑफ एनएसयू इज़ कि रिकॉग्नाइजेशन, इसके पास नैक ए की ग्रेडिंग अवेलेबल नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट है। वहीं अर्काजन के पास, ये जेएन यूनिवर्सिटी के अंदर आता है अर्काजन, तो इसके पास नैक ए की ग्रेडिंग अवेलेबल है। वैल्यू फॉर मनी में देखा जाए तो अर्काजन को 3.5 रेटिंग मिला है। आप पैसा जितना इन्वेस्ट करते हो उसके हिसाब से आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है उसको बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी। उसमें 5 में से 3.5 रेटिंग अर्काजन को मिला है। और वहीं वैल्यू फॉर मनी देखा जाए तो एनएसयू को 5 में से 4 मिला है। आरवीएस की बात की जाए तो आरवीएस को 5 में से 3.5 वैल्यू फॉर मनी मिला है। आरवीएस, इसलिए मैं आरवीएस को भी इस कंपैरिजन में रखा क्योंकि स्टूडेंट्स का ये होता है कि मुझे मेटलर्जिकल इंजीनियर बनना है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर साइंस मुझे समझ में नहीं आती, तो कौन से कॉलेज में ऑप्ट करूँ। तो अगर आप मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो और इलेक्ट्रिकल में करना चाहते हो और आप जमशेदपुर में ही रह के करना चाहते हो, तो वो एक ही कॉलेज यहाँ पर अच्छा है जो प्रोवाइड करता है, वो आरवीएस कॉलेज ऑफ जमशेदपुर है। बाकी अर्का में और फिर एनएसयू में कोर इंजीनियरिंग का उतना फैसिलिटी कोर्सेज है ही नहीं, लाइक मेटल की कोर्सेज नहीं है यहाँ पे, तो प्रोडक्शन की कोर्सेज नहीं है यहाँ पे। पॉपुलर कोर्सेज लाइक कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन समझ में आता होगा कि अगर आपका बजट कम है तो किस कॉलेज में जाना है, आपको कॉलेज लाइफ इंजॉय करना है तो किस कॉलेज में जाना है। जनरली कॉलेज लाइफ अगर इंजॉय करना चाहते हो तो अर्काजन या एनएसयू दोनों में से किसी में भी जा सकते हो। जनरली बच्चे यहाँ इसीलिए जाते हैं कि कॉलेज लाइफ इंजॉय कर पाएँ। प्लेसमेंट्स तीनों में सिमिलर है, 3 से 4 LPA का एवरेज है और CSC में जो टॉप 40-60% है उनका प्लेसमेंट हो जाता है और उसका एवरेज निकाला जाए तो 3 से 4 LPA का है, डिपेंडिंग अपॉन आप जमशेदपुर के किस पार्ट में रहते हो, आदित्यपुर में रहते हो, गमहरिया में रहते हो, मानगो में रहते हो, और कौन सा कॉलेज आपके घर से नज़दीक पड़ता है ये भी आप देख के कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मानगो एरिया में रहते हो तो यहाँ से आरवीएस और एनएसयू नज़दीक पड़ेगा। वहीं अगर आप आदित्यपुर इलाका में रहते हो, उधर के आसपास गमहरिया में रहते हो, तो वहाँ से अर्काजन यूनिवर्सिटी पास में पड़ेगा, ये भी आप देख सकते हो। क्योंकि अगर आप जमशेदपुर के रेसिडेंट हो और ये कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो तो डेली आपको कम्यूट करना होगा अप एंड डाउन फ्रॉम दी कॉलेज। तीनों कॉलेज में फैसिलिटी अवेलेबल है, शटल सर्विस इज अवेलेबल। तो आई होप आई क्लियर एवरी डाउट्स रिगार्डिंग दीज थ्री कॉलेजेस एंड इन द लेटर वीडियोज आई बी कंपेयरिंग BSc ऑफ NSU विद अर्काजन। सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपका कोई और डाउट रह चुका है तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख दो, आई बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू योर क्वेरीज। एंड इफ यू वॉच टिल द वेरी एंड, थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।